पूजा की बर्तन इस तरह से नई जैसी चमकाने के लिए चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ पूजा के बर्तन कैसे साफ करके बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी विधि, पूजा के बर्तन कैसे साफ़ होते हैं। देखिए कैसे काले पड़ गए सारे पूजा के बर्तन, इसे मैंने पानी से धोया है सर्फ से तो भी साफ़ नहीं हुआ है, देख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँगी ऐसी विधि कि चंद मिनटों में एकदम चमकने लगेंगे पूजा के बर्तन। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है, दही ले लिया है, उसे घोल दिया है, खट्टी दही थी बहुत। आप चाहे तो छाछ भी ले सकते हैं, मट्ठा जो बोलते हैं उससे भी साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि घी निकालते हैं और वो जो छाछ बच जाते हैं तो उसमें डालकर आप इसे एक घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। उसका देखिए बर्तन कितना चमकने लगता है। तो मैं इसे डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए 1 घंटा पूरा हो चुका है, लगभग ये साफ़ हो चुके हैं, थोड़ा बचा हुआ है देख रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे मैंने सर्फ़ लिया है, थोड़ा सा चुटकी भर सर्फ लिया है, और एक ये बर्तन धोने वाला मैंने लिया है स्क्रब। इसे हल्के हाथों से ऐसे रगड़िए, देखिए कितना साफ़ हो रहा है, बहुत ही आसानी से बहुत ही फटाफट साफ़ हो जाता है। अक्सर देखने को मिलता है कि पूजा के बर्तन काले हो जाते हैं, फिर कितना भी रगड़िए साफ़ नहीं होता है। तो इस तरीके से साफ़ कीजिएगा तो बर्तन एकदम चमचमा उठेंगे, बिल्कुल नए लगेगा जैसे कि अभी खरीद कर ला रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से चमक गया। इसी तरह मैं सारे बर्तन को साफ़ कर लूँगी सर्फ हल्का लगा लगा कर। कितना इजीली ये साफ़ हो गया देख रहे हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं लगा और नए बर्तन की तरह चमक गया है। सभी को मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी हल्के हाथों से रगड़ के। तो देखिए बर्तन साफ़ हो गए, पानी कितने गंदे हो गए, और देखिए सब बर्तन कैसे चमक गए हैं। दिवाली की सफाई हो गई बर्तन की, अब इसी से मैं गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी और सारे देवताओं की पूजा करूंगी दीपावली में। तो आप भी इस बार दिवाली सोच रहे होंगे कि नए बर्तन लेने पड़ेंगे, मेरे बर्तन बहुत गंदे हो गए, पुराने टाइप लग रहे हैं, तो आप इस तरह से चमकाएंगे तो बिल्कुल लगेगा कि मार्केट से नया बर्तन ला रहे हैं पूजा का। तो इस तरह से आप ज़रूर बर्तन साफ़ करें तो बिल्कुल नए हो जाएंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।